दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अब मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा विषय है वो है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। नपुंसक रोगी में संभोग क्रिया करने के दौरान उसे आनंद नहीं मिल पाता, संभोग करते समय जल्दी वीर्यपतन हो जाता है। हस्त में सुन उसने बहुत किया हुआ होता है, अब तो संभोग का विचार आते ही वीर्यपात हो जाता है। इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एग्नस कास्टर। संभोग करने की इच्छा होती है लेकिन पत्नी को हाथ लगाते ही वीर्यपात हो जाता है, इसके लिए जो दवा है वो है एसिड फॉस। संभोग करते ही बीच में लिंग स्थिर पड़ जाती है, इसके लिए जो दवा दी जाती है वो है कैलेडियम। रात को पसीना बहुत आता है, हाथ चिपचिपे हो जाते हैं और स्वप्न दोष भी हो जाता है। कैल्केरिया काब बदतर हालत, बैठे बैठे वीर्य टपकता रहता है। सिलेनियम लिंग में कड़ापन ही नहीं हो पाता। कैलेडियम हाथ पैर कुटते रहते हैं, गांठों में दर्द होता रहता है, बस हमेशा सोने का दिल करता है। इसके लिए जो दवा आती है वो है जेल्सिमियम। चिकित्सक के तौर पर आप रोगी से ये प्रश्न करें कि आपने किस उम्र से हस्तमैथुन शुरू किया था, शादी कब हुई थी, शादी से पहले भी आपका किसी स्त्री के साथ में संपर्क था, आपको आपका जीवन शैली कैसा है, क्या आप शराब पीते हैं, ज़्यादातर आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं। नपुंसकता रोगी में संभोग क्रिया के दौरान पूर्ण आनंद उसे नहीं मिल पाता, संभोग करते समय जल्दी जल्दी वीर्यपात हो जाता है या लिंग ढीला पड़ जाता है। इसके लिए हम कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में ही जिक्र करेंगे, जैसे लाइकोपोडियम। नपुंसकता के रोग में यह औषधि अत्यंत लाभकारी मानी गई है। एक व्यक्ति जो दो या तीन शादियाँ करता है और अपने नपुंसकता के कारण बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाता है, जो उसके लिए बड़ी परेशानी की सबब होती है। ऐसे में नपुंसकता को दूर करने के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी औषधि है। लाइकोपोडियम की 1 ml की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। हस्तमैथुन या यौन कुकर्मों के कारण नपुंसकता हो जाने पर भी इस औषधि का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। यदि लिंग छोटा हो गया हो, काम उत्तेजना से अधिक होती हो, कभी कभी उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है, रोगी में अधिक कामवासना के कारण शक्तिहीनता आ जाती है, इस तरह के लक्षणों में रोगी को लाइकोपोडियम औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें निम्न शक्ति नहीं, हमेशा उच्च शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। एग्नस कास्टर, ऐसा व्यक्ति जो युवावस्था के दौरान बहुत अधिक कामुक जीवन व्यतीत किया हो, 60 साल की आयु में उसकी यौन दृष्टि उत्तेजना उतना ही उत्तेजित हो जाती है जितना युवावस्था में वो शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो और नपुंसकता के कारण अपने आप वीर्यपात हो जाता हो, तो इसमें एग्नस कास्टर्स भी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी पोटेंसी 1 ml की रखनी चाहिए। ग्रेफाइटिस या इससे ऊंची पोटेंसी भी जो है प्रयोग में की लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति में अत्यंत कम उत्तेजना हो तो उसे ग्रेफाइटिस औषधि बहुत ही लाभ देती है। यदि रोग को संभोग करते समय आनंद नहीं मिलता, रोगी को संभोग करते समय आनंद नहीं मिलता या संभोग करते समय वीर्यपात नहीं होता, जिसके कारण काम क्रिया के बाद रोगी को बहुत परेशानी हो जाती है, इस तरह की नपुंसकता को दूर करने के लिए ग्रेफाइटिस औषधि की 200 पोटेंसी से शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर ले जाएं। 200 के बाद में 1 ml, फिर 10 ml, फिर CM की पोटेंसी में ले जाएं। कैल्केरिया काप अधिक संभोग क्रिया के कारण होने वाली नपुंसकता को दूर करने के लिए नक्स भूमिका, सल्फर, कैल्केरिया काप तीनों का औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। याद रहे कि इसे एक साथ मिलाकर कभी नहीं लेना है, इसे 1 by 1 एक एक करके लेना है। कैल्केरिया काप औषधि का प्रयोग रोगी में उत्पन्न ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें रोगी में अधिक विषय वासना होती है,
परंतु यह वासना केवल मानसिक होती है और शारीरिक वासना कम होती है, अर्थात रोगी में काम की इच्छा होती है परंतु उसे काम क्रिया में शारीरिक क्रिया की इच्छा नहीं होती। ऐसे में यदि रोगी काम क्रिया करता है तो लिंग ढीला पड़ जाता है या संभोग के समय जल्दी ही वीर्यपात हो जाता है या संभोग से पहले ही वीर्यपात हो जाता है या फिर वीर स्राव अधूरा होता है। ऐसे में कल्कीय का औषधि 200 की पोटेंसी में या 1 mm की पोटेंसी में हर एक दिन के बाद में लेते रहें। इस तरह नपुंसकता के कारण कभी कभी व्यक्ति निराश होकर एकांत में रहना पसंद करता है। यदि यह काम क्रिया की इच्छा भी करता है तो उसके सिर में दर्द हो जाता है, टांगों में शक्ति नहीं रहती, टांगों में कमजोरी आ जाती है। इस तरह के लक्षणों में दूर करने के लिए कल्कीय का काम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। सिलेनियम एवं सल्फर, यदि अधिक संभोग क्रिया के कारण से रोगी को कमजोरी आ गई हो और वो सोना चाहता है परंतु सोकर उठने के बाद भी कमजोरी बनी रहती है, रोगी को किसी प्रकार का स्नायु संबंधी थकावट महसूस नहीं होती। हस्त मैथुन, स्त्री सहवास या स्वप्न दोष होने के बाद उसका स्वास्थ्य भी और भी खराब हो जाता है। वीर्यपात के कारण से रोगी अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक से सोच नहीं पाता, सिर में दर्द हमेशा बना रहता है, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ जाती है, ऐसा लगता है कि उसे लकवा मार गया हो, प्रोस्टेट का स्राव अपने आप होने लगता है, नींद में अश्लील सपने आने पर वीर्यपात हो जाता है, पेशाब तथा मल त्याग करते समय भी वीर्यपात हो जाता है। इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए सिलेनियम औषधि 30 की पोटेंसी शुरू करें और हर 7 दिन के बाद में इसको पोटेंसी को आप बढ़ाते रहें। याद रहे कि अचानक पोटेंसी नहीं बढ़ानी है कि आज 30 लिए तो कल 200 ले लिए, ऐसा नहीं, कम से कम एक हफ्ते इसको 30 की पोटेंसी में लीजिए, फिर उसको बढ़ाइए, फिर 200 में जाइए, फिर 1 mm में जाइए। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसका हम आपसे विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आशा है ये छोटा सा क्लिप आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार, लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।